ये गठबंधन ही था। मैं बहुत पहले तुम्हें ये कह चुका था, जब ये सरकार बनी थी तभी कहा था ये ठगबंधन है, ये सिर्फ लूट की हिस्सेदारी है। अब बीजेपी ने भी ये बात सरेआम मीडिया के सामने कही कि हमने इनको महकमे दिए, इनका जो सहयोग हमने लिया वो फ्री में नहीं लिया, ये बात कही है ना। तो मतलब लूट के अंदर हिस्सेदारी थी दोनों की आपस में। यही बात जेजेपी ने कह दी कि भाई ये कोई फ्री का गठबंधन नहीं है, क्या तो फ्री का नहीं है तो दोनों लूट मचा रहे थे। जब दोनों की लूट जब तक बढ़ती रही आपस में तब तक तो ये चला मामला, अब वो लूट बंद होगी, अब विवाद हो गया उसमें, अब माल ढंग से बांटा नहीं जा रहा, तब एक दूसरे पे आरोप लगने शुरू हो गए। ये लुटेरों का गिरोह है, ये सरकार नहीं है। किसानों पे लाठी चार्ज हुआ कल और आज भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम MSP पे फसल खरीदेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की चाहे कोई भी फसल है जो MSP में आ गई हम उसको MSP पे लेंगे। सूरजमुखी भी MSP पे है, उसका भी रेट तय सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। तो इन्होंने सरसों खरीदी MSP पे, ना ही आज सूरजमुखी खरीद रहे, इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं। किसान का प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, किसान को अपने अधिकार के लिए अगर सड़क जाम करनी पड़ेगी सड़क जाम करेगा, अगर अपने अधिकार के लिए हरियाणा बंद करना पड़ा तो हरियाणा बंद करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसान के साथ।